अधीक्षण नियंत्री मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बड़वानी वृत्त को मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी व कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया है कि आनंद कुमार अहिरवार कार्यपालन यंत्री एमपीवी सेंधवा के विरुद्ध ज्ञापन दिया गया। वहीं ज्ञापन में बताया गया कि सेंधवा कार्यपालन यंत्री द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, इसलिए गाली गलौज करते, अभद्रता करते, नियम विरुद्ध कार्य करवाने कहते, रात्रि में अनावश्यक मीटिंग लेकर रात्रि 11 बजे तक मीटिंग लेते रहते हैं। वहीं मध्य प्रदेश विद्युत कर्म अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला इकाई बड़वानी ने चेतावनी दी, अगर 72 घंटे में सेंधवा कार्यपालन यंत्री एमपीवी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई है तो चरणबद्ध आंदोलन 14 जनवरी से किया जाएगा। क्या नाम है आपका और किस पद पे हैं? क्या नाम, क्या परिचय है आपका? मेरा मोहम्मद सादिक शेख, मैं मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ का संयुक्त महामंत्री हूँ पश्चिम क्षेत्र का। आज किस संबंध में विरोध प्रदर्शन किया है? सेंधवा में पिछले 6 माह से एक तानाशाह अधिकारी पदस्थापना हुई है, उसकी कार्य पद्धति के खिलाफ सारे सभी कर्मचारी और अधिकारी लामबंद हुए हैं। ये जो हम ज्ञापन दे रहे हैं ये ज्ञापन महासंघ, पत्रोपाधि अभियंता संघ और भावी स्रोत कर्मचारियों के संयुक्त तत्वावधान में दिया जा रहा है। और क्या तानाशाही की जा रही है उनकी? उनके द्वारा कर्मचारियों से 18-18 घंटे काम लिया जा रहा है। शाम को 6 बजे वो डीसी पे कहीं पहुंच जाते हैं कर्मचारियों को एकत्रित करना, और वो आप तो बैठे रहते हैं होटल में जो है खाना, और कर्मचारियों को बोलते हैं कि रातों में लाइन काटो। ये एक जो है रात में लाइन काटना वर्जित है, अगर कर्मचारी गिर जाएगा, कुछ दुर्घटना हो जाएगी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? और शासन का भी नियम है कि वर्किंग आवर्स में लाइनें काटी जाए, जब काउंटर चल रहा हो उस समय लाइन काटी जाए, उसके अलावा जो है लाइन नहीं काटना है। वहाँ ऐसा जो है सेंधवा की भी घटना है और बलवाड़ी बलसूद सभी दूर जो है ये इस तरह से काम कराया जा रहा है उनसे। कौन अधिकारी है? अधिकारी आनंद अहिरवार कार्यपालन यंत्री हूँ, और उसके बाद अधिकारियों को सेंधवा बुलाते हैं शाम को 6 बजे। दिन भर सुबह 8 बजे आता है अधिकारी कर्मचारी, दिन भर काम करता है और शाम को 6 बजे सेंधवा तलब करते हैं यहाँ आओ, और रात को 10-10, 11-11 बजे तक उनसे मीटिंग लेना। वो कर्मचारी खेतिया है, बलवाड़ी वाला है, वो आके रात में फिर अपने घंटे पे जाना और सुबह 8 बजे पुनः जो है अपने ड्यूटी पे आना। ये कर्मचारियों को इस तरह से जो है उनको मानसिक रूप से पड़ताड़ना की जा रही है, तानाशाही कर रहे हैं अपनी कर्मचारियों के साथ में। अब शब्दों का, जातु सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ तक कि कर्मचारियों को नंगी गालियाँ तक दे दी जाती है। ज्ञापन दिया है आपने? ये इसी बात का हमने ज्ञापन दिया है आज। मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी अधिकारी संघ ने ज्ञापन दिया है सेंधवा के खिलाफ, क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ, आज कुछ अधिकारी कर्मचारी संघ की ओर से कार्यपालन यंत्री सेंधवा के विरुद्ध एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। वो उसमें जो बातें लिखी गई है उन पर इस वृत्त स्तर से जांच करवाई जाएगी। निश्चित ही विभाग के जो लक्ष्य रहते हैं वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी स्तर पर दबाव है, वो उनके प्राप्ति के लिए जो कुछ किया जाता है वो थोड़ा सा उसको पॉजिटिव वे में लेते हुए अधिकारी को भी समझाइश दी जाएगी, और एक औद्योगिक शांति बनी रहे ऐसे प्रयास किए जाएंगे। कनिष्ठ यंत्री राजपुर एमपीवी धीरेन्द्र कुमार यादव ने एक ज्ञापन दिया अधीक्षण यंत्री को सेंधवा कार्यपालन यंत्री एमपीवी के विरुद्ध। धीरेन्द्र कुमार यादव कनिष्ठ यंत्री राजपुर ने अधीक्षण यंत्री को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि मैं डिप्रेशन में चल रहा हूं, तो मुझे कार्यपालन यंत्री सेंधवा के द्वारा नाजायज परेशान किया जा रहा है, जिससे मैं डिप्रेशन में हूँ। मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कार्यपालन नियंत्री सेंधवा आनंद कुमार अहिरवार के व्यवहार से काफ़ी परेशान हूँ, वो मुझे नाजायज परेशान करते जिससे मैं डिप्रेशन में चले गया हूँ। अतः मैं निवेदन करता हूँ कि मेरा स्थानांतरण सेंधवा संभाग से बाहर किया जाए, जिससे मैं मानसिक संतुलित होकर मैं व्यवहारिक रूप से कार्य कर सकूँ। क्या नाम है आप? वीरेंद्र कुमार यादव। कहाँ पदस्थ हो? राजपुर ग्रामीण वितरण केंद्र। ये आत्महत्या का आवेदन क्यों लिखा और क्या कारण था पीछे उसके? क्योंकि वर्तमान कार्यपालन यंत्री है, उनके व्यवहार से मैं परेशान
क्या नाम है उनका, कहाँ पदस्थ करे? आनंद, श्री आनंद कुमार अहिरवाल, चंदवा संभाग। किस प्रकार परेशान हुआ? मैं परेशान हूँ कि हर बात में जो है मेरे को जो है अभद्र रूप से मेरे साथ व्यवहार किया जाता है, एवं बात हर बात पे जो है CR जो लिखाता है वो उसके दिया जाता है, वेतन काटने की धमकी दी जाती है, वेतन काट लूँगा, ये सब चीज़ों से मैं परेशान हूँ। क्यों कर रहे हैं परेशान आपको, कारण कुछ तो होगा? शाम को 6 बजे मीटिंग बुलाना, 10-11 बजे छोड़ना, फिर बोलना कि सुबह 8-9 बजे आप DC पे पहुँचो, इस तरह से मैं जो है पारिवारिक रूप से भी परेशान हो चुका हूँ। क्या कर शिकायत की है संबंध में आपने? शिकायत की आगे? RPTV न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए, और साथ ही RPTV की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।